हेलो बोले उद्घोषक महोदय जी, हमें आज्ञा है। आप बिल्कुल महाराज, बिल्कुल अपनो शुरू करो आप। हेलो, कलाकारों का बहुत बड़ा संगम है ये, और मुझसे उम्र में बड़े, हर चीज में बड़े हैं वो, सभी यहाँ बैठे हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, इतना कुछ हमें आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम हरा के खड़े जाते हैं। सुजी दादा फिर पकड़ ले आए, लोहड़ी वाले दादा, और हमारे आदरणीय सम्मानी बड़े भैया दीक्षित जी महाराज, आप सब। बागेश्वर धाम सरकार के चरणन में आज हम आप सब जने बैठे हैं, और परम पूजनीय कीर्ति शेष पंडित श्री मैयादीन जी तिवारी। हेलो पटेरिया जी, क्षमा चाहते हैं। आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, श्री राजू चौहान जी, आपने हमारा नाम घोषित किया है, वो सिरोधार है, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जब सभी कलाकारों का सम्मान हो जाएगा, इसके बाद आप हमारी सोचिएगा। साधुवाद, धन्यवाद। जय आपकी महानता है। बहुत जल्दी मैं थोड़ा सा समय ले तो भाई आपके बीच में नहीं छोड़ो, जो दो चार है दो, पहले 500 दो, जो हमें कछु नहीं चाह रहे, हम घर के यहाँ तुम ला रखा आओ, तो हम खुद ला रखा है जी, जो ठीक है ताली बजाओ जो दे गए। बाकी पप्पू भैया से हमने कही दी, इनमें थराई निकी नहीं है, इनने के रोजा कितनी बे श्रद्धांजलि कर ली, फिर हमें से लड़ पर एक दिन आके जो बताओ कि तुम हमें समझत का हो पाऊंगा, तुम पिताजी की श्रद्धांजलि करत हो, वो तुम्हें जो खबर नहीं है कि एक भैया हमारा गाउद भी है जयप्रकाश, तो हमने कहा जात से खाली कर दोगे तुमने हमें, कलाकारन की जात से या हम बामन जो बता दो। तो आज इनको सबसे पहले फोन आओ, बोले भैया जात में शामिल हो जाइए दिन डूबे, हमने कहा ठीक है चलो बढ़िया है। श्रद्धांजलि गाते हैं, रोज गाते हैं, लेकिन दर्द बहुत होता है श्रद्धांजलि का, वो दर्द हम आपने पूजनीय चाचा मैयादीन तिवारी जी को खोकर भी, और इसके बाद परम पूजनीय चाचा चाचा जी वो थे और चाचा जी ये हैं, लेकिन उनसे हम पापा कहता है, बुंदेलखंड के लोकगीतों के सम्राट पंडित देसराज जी पटेरिया, जब उनको खोया और ज्यादा दर्द होगा। अब धीरे धीरे जब धरा विहीन हो जा रही, ऐसा भी नहीं कह सकत कैसे के और भी आउ जा रहे नए नए, ये संसार का क्रम है, जो आया है वो जाएगा, को जल्दी जात को देर में जात, आदमी जीवे यहां 100 साल जियत रहा लेकिन नाम अपना 1 घंटे की जिंदगी में कर जाता है, नाम अपना 1 घंटा की जिंदगी में कर जाता है, वो पल भगवान जी खा दे दे, उनको हो जाए वो पल। 4 लाइनें हैं, बड़े ध्यान से सुने आप लोग, कोशिश की है सुनिएगा। तुमने मोखा जन्म दो धन माई बुंदेल, पहले तो इस मिट्टी के लिए, वास्तव में रात में कभी कभी सोचते हैं कि भगवान ने हजारों लाखों लोगों में अपना वो अमूल हल्का सा स्वर गाने का इस शरीर में दिया है, तो निश्चित उससे कहीं ना कहीं हमारी खबर तो है, और फिर इस मिट्टी में जन्म दिया बुंदेलखंड में, आपका ऐसे गांव में बसाओ जाए जहां गांव हो ही ना,
जंगल में कह दे गए थे राव तुम जो है तुम्हारी राजधानी, ये सो पांडवन का मेरो इंद्रप्रस्थ कहा तो खांडव बना तू उत उन्होंने गांव बनाओ ऐसो अगर गांव दो जाए तो जन्म कर जाए गांव बनाओ बनाओ। हमें तो जे पूजनीय चाचा जी पापा जी ये तो चूलो बार गए तबा चढ़ा गए बस सेक के खाने भरा है खाने के नहीं खाने ये बुंदेलखंड का अमेरिका तक नाम कर गए। अरे हम आप क्या कर रहे हम आपका सिर्फ जो करने को उस नाम की लाज रख रहा है और कुछ नहीं करना है। नाम की लाज बराबर चमकती रहे राजू भाई नाम ठीक है इतिहास सबका लिखा जाएगा कि जो यशो भाव तो जो यशो अगर इतिहास ना लिखो जाए तो रावण हाँ गाणी दे तो राम की पूजा कर कहे रावण की पूजा ठोकर लोग आ सका तक करता है लेकिन कर्म जैसे जो को कर जाए किसान कीर्तन की थी न्यारी भैया जो लोग की था बोलो तुम ऐसो मासो छात धड़कन लगा लो जितने प्यार से बजा सको उतने प्यार से यही आज जिंदगी में पहली बार मैंने पूरी रात कीर्तन सुनी और चार से रातें सुने आठ दस रोज में कर जाए ऊपर लागो। अरे वही काम अपना आराम से भी तो कर सका जो हम लोग की तक आया ध्यान गए किसान कीर्तन की थी न्यारी अरे मैया दीन तिवारी हाय राम किसान कीर्तन की थी न्यारी सभी लोग ध्यान दें और साथ में गीत के एक एक शब्द पे ध्यान दें हमारे बड़े भैया देवेंद्र तिवारी जी कार्यक्रम भी चल रहा है पीछे सम्मान समारोह को लेकिन हम पप्पू भैया को पप्पू भैया कहाँ है पप्पू महाराज कहाँ गए तुम तो ठाणे ठाणे सुनी लो सब जन ने गांव के मैया दीन जी तिवारी कीर्तनकार थे मैंने उनको प्रत्यक्ष देखा है जब वो देरी के मंदिर पे रहते थे जब मैं उनके पास जाया करता था इसके बाद छतरपुर में कार्यक्रम होता था वहां सुना हमने उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी बहुत बड़ी विशेषता थी जो इस मंच पर रात भर किसी ने नहीं बताई क्या थी सुनना है अब ध्यान से हेलो हेलो कि गला गाय की उनको गायन एक बेर बीरंदाऊ को उनको प्रोग्राम बहुत जवाबी कीर्तन को बीरंदाऊ बोले कि हमारे लाने लाइट बंद कर दो तो हम बिना लाइट के गाते कैसे भी अंधे होते थे चाचा बोले तिवारी जी के अगर ऐसी बात है तो लाइट तो हम बंद ना कराएं लेकिन हमारे लाने तो माइक बंद कर दो हम बिना माइक के सुनाए होते थे कही थी कि नहीं कही थी जो ये पुराने बैठे महाराज है ना पटिया जी है ना पता होगा कही थी तो ताली का नहीं बजा सतीश वर्मा और राजू मिश्रा जी कृपया मंच पर आ जाएं इसलिए कहूंगा कि गला गाय की उनको गायन सब पे परत तो भारी सतीश वर्मा और राजू और मंच पर आ जाए कृपया फिर ना हमने गाओ गाओ देखो सीधी बात है पहले जब बराबर ने पड़ जान तो फिर गा भी बात भाई ऐसी टिकट थोड़ी करने का हाफ टिकट अगर झेल रहे हो तो फिर बता दो यासो का गाओ हमने बताओ एक लेन बोलो हमारी का गाओ बताओ नहीं बे नहीं गए थे तुम तो जो लेन बता जो हमने गाई है जो हमने गाई सुनी नहीं क्या बताओ
पापा की गला गाए की गला बुंदेलखंड में ऐसा होगा नहीं है जो तिवारी जी का था, इतना विशाल गला और भरी गाय की थी उनकी। गला गाए की उनको गायन सब पे परत तो भारी, और ओ पप्पू भैया तुम्हें बधाई, अरे पप्पू भैया तुम्हें बधाई काए कि तुमने बसाख संवारी। और सबसे बड़ी बात बिना गाय बजाए संवारी कि भी गाउद भी नहीं है। और आज इस मंच पे देखो हमने कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ऐसा कोई कलाकार नहीं है कीर्तन का जो इस मंच पे ना हो, इसके लिए पप्पू को कोटि कोटि बधाई, तालियां बजाए उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बात, एक बात मोरी सजनी की, एक बात मोरी सजनी गठियालो चुनरिया में, हमारे जहां जहां लोग गीत गावे जाते हैं उतने ही गीत की फरमाइश जरूर। एक बात मोरी सजनी की जग जाहर कर डारी, अरे जय प्रकाश जा भूमि बुंदेली, जय प्रकाश जा भूमि बुंदेली रत्नन की भंडारी अपने मैया दीन तिवारी। एक सौ एक रुपया को आशीर्वाद परम सम्मानीय माता दीन जी दादा के द्वारा, और 101 रुपया को आशीर्वाद परम सम्मानीय प्रसिद्ध कीर्तनकार, आनंद आ गया उन्हें सुनने में आज। अगर श्रद्धांजलि की बात है तो खाली श्रद्धांजलि की बात हो गया, और कछु ना हो गया। देखो आप, चूंकि बुंदेली की बात है और बुंदेली में खड़े हैं दो लाइने, बड़े ध्यान से सुन रहे महाराज जी है नैया, इधर भी जो गाना बहुत सुनाते उतना सुनत रहे शिवरात्रि है। अरे रोबे खड़े दिलगीर, रोबे खड़े दिलगीर, हम आए कौन की तैयारी, रोबे खड़े दिलगीर हमारे कौन की सबको गौरव होने, जितने जने बैठे हैं सबका एक नेक में जाने हैं कह रहे हैं। पांच सौ रुपया को आशीर्वाद बड़े भैया पप्पू तिवारी जी के द्वारा, तालियां बजाओ आप लोग। 500 जे हमेशा दे, इसे कम कभी नहीं दे, लेकिन आज भाभी भी आई थी, लड़का बिटिया भी आए थे, क्या नहीं आए थे, भाभी के कोनो सम्मान रखती ना कहे उनको, हमारे संगे आउती आपकी बहू, हम 500 तत्काल दे दे तुम्हारों का है। बा बोली के अब की विदा होने लगी, सुबह लड़का जो हल्की से प्रेम करते उसे भी रोन लगे कि तुम जा रही हम क्या करें, बा बोली सुनो, अरे कैया के यार पछीते रो रहे
कैयक यार पछी पे रो रहे पछी पे रो रहे पछी कैयक तला के तीर कैयक तला के तीर अरे हमारे गोने की महाराज जी को आसन खाली है वे परे हैं या आराम कर रहे होंगे यार देखो आप अगर कोनो होने तो सबको होने दादा ने लिखा था चंचल जी ने कि चाहे वन महंत चाहे साधु संत जीवन को अंत हो के रहा इसलिए कहूंगा अगली लाइन हमारा गीत नहीं है कविदास जी का लिखा हुआ लोकगीत है अरे कैयक यारन ने धूनी रमा लई कैयक यारन ने धूनी रमा लई हाँ धूनी रमा धूनी और ओ कैयक हो गए फकीर कैयक हो गए फकीर हमाए गोने की तैयारी हमारी बहनें बैठी पीछे रोशनी जी राखी जी बहुत अच्छा लग रहा है आज ऐसा लगा जैसे कि हम सगो बंग से तीन बैठे हुए पूरे यही तो हमारी जात बरादरी है घरे तो बाजो बजाओ से वो घर भाई का जो बताओ कि 22 साल हो तो मैं गाउद गाउद पहले सारे गाँव वाले सीख पाए थे बंद कर बंद कर दिया इतने को नहीं रोकते तो कहा गाओ और गाओ चाहे चल गड़े आ गाओ तेरा इसलिए जो परिवार अच्छो है सग सगी से बढ़ के है जो परिवार आखिरी बात देखो आप एक दिन सबको गोनो होने एक दिन सबको गोनो होने एक दिन सबको गोनो होने गोनो होने हाँ गोनो गारंटी इस बात की है क्यों एक दिन सबको कोनो होने अरे कह गए दास कबीर कह गए दास कबीर सो हमाए कोने की धन्यवाद